अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो व्यूवर्स, आज हम आपको बताएंगे व्हिपिंग कफ के ट्रीटमेंट के बारे में। तो आएं डॉक्टर साहब से इसकी मेडिसिन के बारे में जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, व्हिपिंग कफ यानी कि काली खांसी के लिए बच्चों में एपिकाक चोटी की दवा, इसके बाद ड्रोसरा, और ये छोटी ताकतों में बहुत अच्छा काम करती हैं। इसके अलावा क्यूप्रामेट, क्रोकस और कोरेलियम, ये काली खांसी के लिए बेहतरीन दवा। मैगफास बायकैमिक्स काली खांसी की बेहतरीन दवा। ये सारी मेडिसन छोटी ताकतों में 30 ताकत में सुबह दोपहर शाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर पेट में 7 कीड़े हैं, उनकी अलामत मिलती हैं, जैसे रात को बच्चे सो जाते हैं, सोने के बाद उनको खांसी होती है, दिन को खांसी नहीं है, फिर आप 7 साइना दे सकते हैं। शदीद लगातार मुसलसल खांसी, ना रुकने वाली, सांस लेने मुश्किल है, फिर एग्नेशिया की एक खुराक साथ दे दें। तो ये बस दफ़ा कम्बिनेशन बहुत अच्छा काम करते हैं, बस दफ़ा सिंगल मेडिसन अच्छा काम करती है। दोस्तों, बात होती है प्रैक्टिस की, सिम्टम लेने की, और मरीज़ की जो कंडीशन होती है। कुछ मेडिसन बायोकेमिक्स अच्छा काम करती हैं, 3x 6x में, कुछ छोटी पोटेंशियम अच्छा काम करती हैं, कुछ मेडिसन मदर टेंचर में अच्छा काम करती हैं। और अलामात के हिसाब से यानी सारी मेडिसन के ऊपर हम बताई है, एपिकाक, ड्रोसरा, कोरेलियम, कोकस और ऐसे कुछ मेडिसन है, एग्नेशिया है, कि सारे का मिला के कम्बिनेशन नहीं, उसमें से जिनकी करीब ज़्यादा अलामात हैं तो इंटरमटाट भी इसमें यूज़ होती है। अब इंटरमटाट बलगम अगर ज़्यादा है, फेफड़ों में खरखराट की आवाज़ आती है, तो उसमें बलगम खारिज नहीं होती, तो इंटरमटाट साथ अच्छा काम करेगी। तो इस तरह कम्बिनेशन बना के एपिकॉक, ड्रोसरा, र्यूमैक्स बड़ा अच्छा कम्बिनेशन बनता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यूप्रामेट एक बड़ी ताकत में दे सकते हैं, एग्नेशिया बड़ी ताकत में दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा शदीद ज़िद्दी किस्म की खांसी है तो आप कैमोमीला साथ यूज़ कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है व्यूवर्स, आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपने हमें कमेंट करके बताना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने उसको कर लेना है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है ताकि आपको हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। और अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है इस वीडियो के मतलब तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।